अब तक हमने जो पढ़ा उसकी थोड़ी सी समरी, जिनमें इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं, तो आपको जो समरी आगे जाके ज़रूरत होंगी इन कॉन्सेप्ट्स की, तो आप वो याद रखें, थोड़ा सा रिविजिट करें स्लाइड को। प्रोडक्ट टर्म क्या है? प्रोडक्ट टर्म इज एन एंड टर्म ऑफ द वेरिएबल्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल इनपुट कम्बिनेशन ऑफ ए फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड, फंक्शन है जिस जो कि तीन वेरिएबल्स को डील करता है, तो इनमें जो पॉसिबल प्रोडक्ट टर्म्स हो सकते हैं वो ये एक एक्स वाई, वाई जेड कम्प्लीमेंट, एक्स कम्प्लीमेंट, वाई कम्प्लीमेंट जेड। अब प्रोडक्ट टर्म की एक पर्टिकुलर टाइप जो है वो कहलाती है मेन टर्म। वो क्या है? अ प्रोडक्ट टर्म हैविंग कंप्लीट नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इन द अबव एग्जाम्पल दिस कम्बिनेशन इज अ मेन टर्म। इसी तरह सम टर्म को देखें, सम टर्म क्या है? सम टर्म इज एन आर टर्म ऑफ द वेरिएबल्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल इनपुट कम्बिनेशन ऑफ ए फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स कम्प्लीमेंट प्लस वाई, वाई कम्प्लीमेंट प्लस जेड कम्प्लीमेंट, एक्स कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट प्लस जेड, दीज आर ऑल सम टर्म्स। लेकिन इनमें फिर एक पर्टिकुलर टाइप जो होती है, बेसिक टाइप भी कहते हैं इसको, वो कौन सी है? वो है प्रोडक्ट टर्म्स, वो है मैक्स टर्म्स। मैक्स टर्म क्या होता है? अ सम टर्म हैविंग कंप्लीट नंबर ऑफ वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, इन द अबव इलस्ट्रेशन दिस कम्बिनेशन इज अ मैक्स टर्म। Representing a function written in a non-canonical form on a truth table. देखें, यहाँ तक पहुँचते हुए आपको एक बात का एहसास हुआ होगा कि एक function हमें दिया गया है किसी non-canonical form में। Non-canonical form का मतलब यह है कि उस function जो हमें दिया गया है उसमें हर term में number of variables कंप्लीट नहीं है, तो उसको ट्रुथ टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि अगर आपको ट्रुथ टेबल में जो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कम्बिनेशंस का सही इल्म होना चाहिए कि कौन कौन से कम्बिनेशंस, कौन कौन से टर्म्स जो है वो बूलियन फंक्शन में शामिल हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ले लें इस फंक्शन को, यहाँ पे ये फंक्शन मुश्तमिल है दो टर्म्स पे, लेकिन दोनों टर्म्स में नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई वेरिएबल मिसिंग है। जो पहला टर्म है ए, उसमें बी और सी दोनों मिसिंग है, और जो दूसरा टर्म है उसमें ए वेरिएबल मिसिंग है। अब आप इसको ट्रुथ टेबल से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, फंक्शन आपको मिला है नॉन कैनोनिकल फॉर्म में, और आपको टास्क क्या है? वो रिप्रेजेंट करना है ट्रुथ टेबल से। तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जो एक्यूरेट तरीका है, जिसके बेस पे फिर बाकी सारे मेथड्स हैं, वो क्या है? आप इसको एल्जेब्रिकली मैनिपुलेट करेंगे यूजिंग पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स दैट वी हैव लर्न्ड इन आवर फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स। ओके, उसके ज़रिए आप उनको, इस फंक्शन को मैनिपुलेट करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, ये यही एग्जांपल हम आगे ले जाएंगे। देखें, f इज इक्वल टू ए प्लस बी कम्प्लीमेंट सी इन अ सम ऑफ मिन टर्म्स। द फंक्शन हैज थ्री वेरिएबल्स ए, बी एंड सी। द फर्स्ट टर्म ए इज मिसिंग टू वेरिएबल्स, देयरफॉर सबसे पहले हमने पहले टर्म को कन्वर्ट करना है इनटू सम ऑफ मेन टर्म्स फॉर्म में। तो ए को कन्वर्ट करने के लिए आप जो है क्या करें, ए को और एंड कर दें बी और सी, बी कम्प्लीमेंट से। क्यों? देखें, बी और बी कम्प्लीमेंट, आपको उन थ्योरम्स से पता चला था कि बी और बी कम्प्लीमेंट जो है ये बराबर होता है वन के। ठीक है, और वन को आप, वही से हमें पता चला कि किसी भी वैल्यू के साथ आप एंड कर दें वन को, तो वही वैल्यू वापस रिजल्ट में आती है। यानी इसका मतलब जो है पूरे एक्सप्रेशन का ए ही है,
ठीक है, अब आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें, ए एंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दें बी पे भी और ए एंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दें बी कम्प्लीमेंट पर भी, तो आपके सामने क्या आएगा, ए बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। बट नाउ दिस इज स्टिल मिसिंग वन वेरिएबल, सी वेरिएबल इज स्टिल मिसिंग इन बोथ द टर्म्स, फिर क्या करें, वही तरीका दोहराएं, ए बी को एंड कर दें सी प्लस सी कम्प्लीमेंट से, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा टर्म है इसी एक्सप्रेशन में उसको भी सी और सी कम्प्लीमेंट से एंड कर दें, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें तो आपके सामने ये टर्म्स बन जाते हैं। अब ये जो चारों टर्म्स हैं ये सारे मिन टर्म्स हैं, ठीक है। तो ए जो है एक्सपेंड हो गया है चार टर्म्स में, जब हमने इसको कैनोनिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहा। इसी तरह जो दूसरा टर्म है बी कम्प्लीमेंट सी, यही तरीके दोहरा के जो मिसिंग टर्म है उसको आप एंड करके जो मौजूद टर्म है उसके साथ, ठीक है, जो मिसिंग वेरिएबल है उसको मौजूदा टर्म के साथ एंड कर दें, तो आपके सामने ये दो टर्म्स रिजल्ट में आ जाते हैं। फिर क्या है, ये था ए प्लस बी कम्प्लीमेंट सी, यानी ये जो कम्प्लीमेंट, ये जो टर्म्स हैं इनका, और ये जो दो टर्म्स रिजल्ट में आए इनका आर, इनका सम, ठीक है। कंबाइनिंग ऑल टर्म्स वी हैव ये चारों टर्म और ये दो टर्म्स। अब आप एक बात याद रखें, ये जो थ्योरम है कि एक्स को आप एक्स के साथ ही आर कर दें तो रिजल्ट हमेशा एक्स ही आता है, यानी वन को वन के साथ आर कर दें तो वन आएगा जवाब, इसी तरह जीरो को जीरो के साथ आर कर दें तो जवाब जीरो आएगा, ओके। इस तरीके से अगर आप ये जो टर्म्स हमारे सामने आए हैं इनको ज़रा देखें, तो ये जो ये वाला जो टर्म है ए बी कम्प्लीमेंट सी, ये और ए बी कम्प्लीमेंट सी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टर्म्स हैं। इनकी बजाय, इन दो की बजाय, दो दफ़ा लिखने की बजाय आप एक दफ़ा ही लिख लें, ठीक है, इसी थ्योरम के थ्रू। तो आपके सामने जो फंक्शन आएगा वो होगा पांच टर्म्स पे मुश्तमिल, यहाँ पे छः टर्म्स थे, ठीक है, लेकिन दो जो डुप्लीकेट थे उनकी जगह हमने एक लिख लिया ए बी कम्प्लीमेंट सी, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो पांच मिन टर्म्स पे मुश्तमिल है, ठीक है, और हमारे पास फंक्शन आ गया सम ऑफ मिन टर्म्स 1, 4, 5, 6, 7। तो आप अब इसको इजीली ट्रुथ टेबल की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस थे 1, 4, 5, 6, 7, तो आप फंक्शन में, फंक्शन के कॉलम में जो कॉम्बिनेशन लाई करते हैं इस फंक्शन में उनकी आगे अगेंस्ट वन लगा लें, ठीक है, इसको ट्रू जाहिर कर दें तो फंक्शन में शामिल हो गए 1, 4, 5, 6, 7। रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन रिटन इन अ नॉन कैनोनिकल फॉर्म ऑन अ ट्रुथ टेबल, अगेन वही टॉपिक है, लेकिन इस दफ़ा हम अ क्विक अल्टरनेटिव मेथड देखेंगे, क्योंकि ये तरीका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, हम फंक्शंस को ट्रुथ टेबल की मदद से रिप्रेजेंट करना हमारी ज़रूरत होगी, स्पेशली इन द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3 एंड इन चैप्टर 4 एज वेल। तो उसमें हमें फिर इतनी ज़्यादा लेंथी एलजेब्रिक मैनिपुलेशन करने का मतलब ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हमें थोड़े से काम जल्दी करने होंगे क्योंकि हमारे मेन टास्क कुछ और होंगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन, तो हमें कुछ क्विक तरीका निकालना, ढूंढ निकालना है या सीखना है। वो क्विक तरीका क्या है, मार्क ट्रू इन द आउटपुट कॉलम अगेंस्ट ईच टर्म बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन इट, इग्नोरिंग द वैल्यू ऑफ मिसिंग वेरिएबल। जब आप ट्रुथ टेबल में फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहें लेकिन फंक्शन नॉन कैनोनिकल फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो, तो इसके लिए आप ये सिंपल तरीका अप्लाई कर सकते हैं कि मार्क ट्रू इन द आउटपुट कॉलम, आउटपुट कॉलम हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, अगेंस्ट ईच टर्म, ये हमारे पास टर्म्स हैं, आठों टर्म्स हमारे पास लिस्ट हुए हैं ट्रुथ टेबल में, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन इट,
जो वेरिएबल प्रेजेंट है फंक्शन हमारे पास फंक्शन में, जैसे ये फंक्शन है f इज इक्वल टू ए प्लस बी कम्प्लीमेंट सी, तो जो हमारे पास जो हर एक टर्म को आप लें और हर एक टर्म में जो वेरिएबल प्रेजेंट है अवेलेबल है उसके बेस पे आप उनके आउटपुट कॉलम में ट्रू लगा लिया करें, और जो मिसिंग वेरिएबल है इग्नोरिंग द वैल्यू ऑफ मिसिंग वेरिएबल उनको इग्नोर कर दें, उनकी वैल्यू जो भी हो, लेकिन आप ए को जैसे ये इस टर्म को ले लें, ए को हम ट्रू कैसे लगाएंगे देखें, जहाँ पे ए कम्प्लीमेंट नहीं है यानी ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है वन है, तो जहाँ पे ए वन आता है आप उसके आगे फंक्शन के कॉलम में वन इंसर्ट कर दें और इनके जो बी सी है इनको इग्नोर कर दें, जो बी और सी की जो भी वैल्यूज हैं इनको इग्नोर कर दें। लेकिन अगर ए आपके पास वन है कॉलम टेबल में ट्रुथ टेबल में तो इनके अगेंस्ट क्या कर लें वन जो है इंसर्ट कर लें। ये देखें ये जो एक टर्म है ए और जहाँ पे ए वन आ रहा है ट्रुथ टेबल में तो उसके आगे जो आउटपुट कॉलम है हमने वहाँ पे वन जो है इंसर्ट कर दिया। ठीक है यहाँ पे सारे वन थे यहाँ पे हमने सारे वन इंसर्ट कर दिए। अब दूसरी टर्म की जानिब बढ़ते हैं, दूसरी टर्म में क्या है बी कम्प्लीमेंट सी। बी कम्प्लीमेंट सी का मतलब है बी की वैल्यू जीरो सी की वैल्यू वन, लेकिन ए मिसिंग है यहाँ पे, ए की वैल्यू को आप इग्नोर कर दें, लेकिन इसके अलावा जब जीरो वन आ रहा है तो वहाँ पे ट्रू लगा लें। देखें जीरो वन यहाँ पे जीरो वन आ रहा है तो इसके आगे आप वन लगा लें ए की वैल्यू जो भी हो। इसी तरह आगे और भी देखते हैं, यहाँ पे भी जीरो वन मौजूद है, जीरो वन बी की वैल्यू जीरो है और सी की वैल्यू वन, ए की वैल्यू जो भी हो इसके आगे यहाँ पे क्या लगा लें ट्रू, लेकिन ट्रू चूंकि ऑलरेडी ए की वजह से इंक्लूड था वन था ट्रू था तो इस वजह से हमने दोबारा इसको वन करने की जरूरत नहीं, वन ऑलरेडी मौजूद है। ये आपको पिछले स्लाइड में नजर आ गया था, ये वही फंक्शन है जो हमने पिछले स्लाइड पे डिस्कस किया, तो ये वही डुप्लीकेट टर्म है जो पिछले स्लाइड में या पिछले हमारे डिस्कशन में हमने रिमूव कर दिया था। ठीक है वही फंक्शन आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया बहुत आसानी से ट्रुथ टेबल के जरिए। और हमारा आज का आखिरी टॉपिक कंप्लीमेंट ऑफ ए बूलियन फंक्शन। किसी भी बूलियन फंक्शन का कंप्लीमेंट जब आपने फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका जब आपको फंक्शन दिया गया हो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकिन नॉन कैनोनिकल फॉर्म में, यानी हर टर्म में हर एक हमारे पास टर्म है उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो आप इसका सिंपली डुअल ले लें। डुअल कैसे लें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप कंप्लीमेंट कर लें। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीमेंट करें तो इस बन जाता है एफ कंप्लीमेंट, राइट साइड पे जब आप कंप्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो ये होगा ए प्लस बी कंप्लीमेंट सी होल कंप्लीमेंट, और होल कंप्लीमेंट को आप डुअलिटी प्रिंसिपल की थ्रू अप्लाई करेंगे हर एक वेरिएबल पे और हर एक ऑपरेटर पे, तो वो क्या करता है उसका इफेक्ट क्या होता है, जाहिर है कि ऐसे ए कंप्लीमेंट बन जाएगा प्लस से डॉट बन जाएगा यानी आर से एंड बन जाएगा, इसी तरह बी कंप्लीमेंट से बी और डॉट से या डॉट से प्लस बन जाएगा या हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट से सम बन जाएगा और सी से सी कंप्लीमेंट। ठीक है अच्छा, कंप्लीमेंट ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ मिन टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ दोस मिन टर्म्स मिसिंग फ्रॉम द ओरिजिनल फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपको फंक्शन मिला है कैनोनिकल फॉर्म में यानी पर्टिकुलरली सम ऑफ मिन टर्म्स, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली कंप्लीमेंट लिखने के लिए एफ कंप्लीमेंट लिखना है और इसको बराबर करना है इस ओरिजिनल फंक्शन में जो मिसिंग टर्म्स हैं उसके, लेकिन सम ऑफ मिन टर्म्स में। ठीक है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हमने जब कैनोनिकल फॉर्म्स की इंटर कन्वर्जन कर रहे थे तो वो भी तकरीबन ऐसे ही तरीका था, लेकिन वो हम कर रहे थे सम ऑफ मिन टर्म्स से प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म्स में, सिंबल चेंज हो रहा था। लेकिन जब हम कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं,
सम ऑफ मिन टर्म्स में ही रिजल्ट यील्ड करता है कम्प्लीमेंट की, लेकिन क्या होते हैं कि हम जो मिसिंग टर्म्स है वो लिख लेते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज आवर फंक्शन, इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सम ऑफ मिन टर्म्स, कौन कौन से टर्म्स जो इसमें मिसिंग है। देखें ए बी सी का फंक्शन है, तो जाहिर है कि 0 से लेकर 7 तक टर्म्स हैं, हो सकते हैं इस फंक्शन में। तो अब इसमें जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें 1, 4, 5, 6 और 7 इंक्लूड हैं, मिसिंग कौन कौन से हैं, 0, 2 और 3, तो वो आपका कम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। यही टेबल है, अब आप इसको इसका ज़रा जायज़ा लें तो देखें ये जो टर्म्स थे ये इसमें इंक्लूड हैं, और मिसिंग टर्म्स कौन कौन से हैं, 0, 0, 0 जिसके लिए लिखा गया है, ठीक है, यानी 0, 2 और 3। तो देखें तो टेबल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आसानी से कि फंक्शन आपके पास जो हो तो उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। ज़ाहिर है कि उन टर्म्स का मजमूआ, उन टर्म्स का सम, ठीक है, उन टर्म्स का फंक्शन जिसके जिससे इस फंक्शन की वैल्यू ट्रू नहीं आ रही, जैसे कि इस तरीके में आपको नज़र आ रहा है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज़ लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे।